1996 वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहे थे भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान। उस वक्त भारत की टीम में अजहरुद्दीन, अजय जडेजा, आशीष कपूर, मनोज प्रभाकर, अनिल कुंबले, नवजोत सिंह सिद्धू, जवागल सिरनाथ, नयन मोंगिया, सलील अंगोला, संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, वेंकटेश राजू और वेंकटेश प्रसाद थे। ग्रुप के मैचों में से भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच जीत लिए थे। इसी के साथ भारत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां मुकाबला हुआ पाकिस्तान से। इस मैच में इंडिया के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन और पाकिस्तान के कैप्टन थे आमिर सुहेल। ओपनिंग करने उतरे नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन तेंदुलकर। शानदार फॉर्म में चल रहे सचिन ने ज़्यादा कमाल नहीं दिखाया और वो 59 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सिद्धू और मांजरेकर ने स्कोर को आगे बढ़ाया, लेकिन 20 रन बनाकर मांजरेकर भी आउट हो गए और फिर सिद्धू ने 115 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 93 रन बनाए और शतक पूरा नहीं कर पाए। इसके बाद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली और नयन मोंगिया भी जल्दी जल्दी आउट हो गए। इस मैच के आखिरी ओवर में अजय जडेजा ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वकार यूनिस की जमकर धुनाई की, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के की मदद से 22 रन ठोके। इंडिया ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 287 रन बनाए। वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी शुरुआत के 10 ओवर में 84 रन ठोक दिए, लेकिन 11वें ओवर की पहली गेंद पर सिरनाथ ने सईद अनवर को कुंबले के हाथों कैच करवाकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद इस मैच में एक और झड़प देखने को मिली, वो थी आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद के बीच में, जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद की गेंदों पर लगातार चौके मार रहे थे और बार बार उनको अपना बैट दिखा रहे थे। तो वहीं वेंकटेश ने अपनी गेंद घुमाई और आमिर को क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद वेंकटेश ने जो रिएक्शन दिया और झड़प हुई वो आज भी याद किया जाता है। पाकिस्तान की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 248 रनों पर पवेलियन लौट गई और भारत ने 39 रनों से मुकाबला जीत लिया। इसके बाद भारत का मुकाबला श्रीलंका से हुआ था, जिसमें भारत को हारता देख दर्शकों ने भारी बवाल काटा, जिससे मैच बीच में रोकना पड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन में हो रहे इस मैच में आईसीसी ने श्रीलंका को जीता हुआ घोषित किया था, जिससे विनोद कांबली रोते हुए मैदान से बाहर आए थे। फाइनल मैच में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था।